ओम शांति। आज 6 सितंबर 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने बच्चों को सावधान किया है, संगमयुगी ब्राह्मणों को पुण्य कर्म करने हैं, कोई भी पाप का काम नहीं करना। सबसे बड़ा पाप है बाबा को भूल जाना, बाबा की अवज्ञा करना। कई बच्चे बाबा का बनकर बाबा की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, अवज्ञा करते हैं, तो बाबा ने कहा आत्मा मैली हो जाती है। बाबा का फरमान है निरंतर मुझे याद करो, जो याद करते हैं आत्मा पावन बन जाती है। आत्मा जो इस समय अजामिल जैसी बन गई, बाबा शुभ राय देते इसे ज्ञान मान सरोवर में डुबो दो, अर्थात ज्ञान का चिंतन करो, ज्ञान का मनन करो, तो आत्मा पावन बन जाएगी। सेवा का बहुत शौक होना चाहिए। कोई भी मिले तो उन्हें मात पिता का राज समझाना है। निराकार शिव बाबा जब ब्रह्मा तन में प्रविष्ट होते हैं, ज्ञान देते हैं, तो ब्रह्मा हमारी माता है, शिव बाबा पिता है। इस समय हम मात पिता के सम्मुख बैठते हैं, सम्मुख बैठकर सुनते हैं, तो बेहद के मात पिता को याद करना है। आज तक उनकी महिमा गाते आए, अब हम उनके सम्मुख बैठते हैं। बाबा समझाते बच्चे, हर एक का कर्म बंधन अलग अलग है, हर बच्चे को उसकी नब्ज के अनुसार बाबा राय देते हैं। किसी बच्चे का कर्म बंधन कैसा है, किसी का कैसा, बाबा राय देते हैं कैसे कर्म बंधन से मुक्त होना है। इस समय आत्मा पर 5 विकारों की बीमारी लग गई है। आत्मा को बीमारी लगती है तो शरीर में भी आ जाती है, इसलिए याद की शक्ति से इन 5 विकारों के ग्रहण से मुक्त हो जाना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सर्विस का शौक रखो, विशाल बुद्धि बन, सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियां निकालो, जो बातें बिगर अर्थ हैं उन्हें करेक्ट करो। सर्विस का शौक रखो, विशाल बुद्धि बन, सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियां निकालो, जो बातें बिगर अर्थ हैं उन्हें करेक्ट करो। क्वेश्चन है, आत्मा जो अजामिल जैसी गंदी बन गई, उसे साफ करने का साधन क्या है? आत्मा जो अजामिल जैसी गंदी बन गई, उसे साफ करने का साधन क्या है? उसे ज्ञान मानसरोवर में डुबो दो। अगर ज्ञान सागर में डूबे रहे तो आत्मा की मैल साफ हो जाएगी। दूसरा प्रश्न है, ब्राह्मणों के लिए सबसे बड़ा पाप कौन सा है? ब्राह्मण अगर बाप की आज्ञा ना माने, ये बहुत बड़ा पाप है। बाप की आज्ञा ना मानना बहुत बड़ा पाप है। बाप की पहली आज्ञा है, तो मुझे निरंतर याद करो। लेकिन इसमें भी बच्चे फेल हो जाते हैं, माया कोई ना कोई विकर्म करा देती है। गीता, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे। ओम शांति। बच्चों की बुद्धि में क्या आता है, कौन आया? इसका बाप, टीचर, सतगुरु, मात पिता अक्षर जरूर चाहिए। मात पिता अक्षर भारत में प्रचलित है, तो मात पिता हम बालक तेरे, पीछे तुम कह सकते हो बाप दादा। वैसे तो मात पिता में बाप दादा आ जाता, परंतु नहीं, ये समझाने का तरीका है, क्योंकि बाप है, माँ भी जरूर चाहिए। अब माता पहले कौन, ये गुह्य ते गुह्य बात जो कोई समझ न सके। क्या प्रजापिता ब्रह्मा होने से भी माता चाहिए? प्रजापिता ब्रह्मा के साथ कोई प्रजापत्नी भी चाहिए? नहीं, प्रजापत्नी नहीं चाहिए, क्योंकि ये मुख वंशावली है, इसलिए ब्रह्मा की पत्नी कोई हो नहीं सकती। ये बहुत गुह्य और गंभीर बात है। ब्रह्मा ये हमारी माँ है, ये भी शिव बाबा ने इनको एडॉप्ट किया। हम सब उनके मुख से ज्ञान सुनकर निश्चय बुद्धि बन जाते, इसलिए हम ब्रह्मा मुख वंशावली हैं। ये बहुत गुह्य और गंभीर बातें हैं, इसे समझने और धारण करने के लिए बुद्धि चाहिए। ये एक ही बाप है जो बच्चों के सम्मुख आते हैं। तुम तो समझते हो मात पिता बाप दादा सम्मुख आए हैं, बच्चे बाहर में सर्विस करते हैं, सेंटर्स पर जो रहते हैं वो ये नहीं समझेंगे कि मात पिता
बाप दादा के सम्मुख आए हैं, वो समझेंगे फलानी ब्रह्मा कुमारी आई है बाबा के महावाक्य सुनाने के लिए। आज फलानी ब्रह्मा कुमारी आई है, ये मम्मा एडॉप्ट की हुई है, सबसे लक्की सितारा जगदम्बा है, ये संभालने के लिए मुख्य है, इसलिए इन पर कलश रहता है। और ये ब्रह्मा तो हो गई ब्रह्मपुत्रा मेल के रूप में, तो सरस्वती जरूर चाहिए। सरस्वती को ही जगदम्बा कहा जाता, इस मेल को तो जगदम्बा नहीं कहेंगे। ये बड़ा अच्छा राज है जो कोई भी गीता भागवत में नहीं है, शास्त्रों में कहानियां बैठ लिखी 5000 वर्ष पहले और 2500 वर्ष पहले क्या हुआ था सो बैठ लिखते। वह नाम रूप देश काल तो कुछ है नहीं, नाटक भी अनेक प्रकार के बनाते, ये बाबा बैठ समझाते बच्चे हर बात को पूरा समझ जाएं। इन गीतों में भी कई बिगर अर्थ अक्षर हैं। अब आकाश तत्व तो ये है, इसमें हम बैठे हैं, इस पारलौकिक बाप को सब याद करते हैं, वो कोई आकाश तत्व से आते नहीं। अगर श्री कृष्ण की आत्मा कहे वह तो यहाँ ही है, सब मुख्य मुख्य आत्माएं धर्म संस्थापक आदि यहाँ ही हैं। श्री कृष्ण भी आत्मा भी 84वें जन्म में यहाँ है, उनकी आत्मा को बुला न सके, ये परम पिता परमात्मा को बुलाया जाता, आओ अपना वहां तत्व निर्वाण धाम छोड़कर वहां से आ जाओ। सब कहते हैं पतित पावन आओ, निराकार परमात्मा आओ, ब्रह्म महातत्व ब्रह्म लोक छोड़कर यहाँ आ जाओ। तुम आत्माओं का सिंहासन तो महातत्व है, आकाश में तो सब जीवात्माएं रहती हैं, ये मांडवा है खेल चलने का। जब गीत सुनते हो दिल में आप ही करेक्ट करते जाओ, ये तो जिन्होंने नाटक बनाए उन्होंने ही फिर गीत बनाए, फिल्म शूट करने वालों को समझाना चाहिए, इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बाबा राय देते सर्विस करने के लिए, ये ड्रामा जिसने बनाया उन्हें समझाना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए, इतनी समझ चाहिए। बाबा तो डायरेक्शन देंगे, बाप को तो जाके नहीं पूछना, बाप तुम बच्चों को डायरेक्शन देंगे ऐसे ऐसे करो, श्रीमत पे चलो। गीत चला, वास्तव में धरती ये भारत खंड है, भारत में ही उनका आना होता, भारत ही उनका बर्थ प्लेस है। सभी उस निराकार परमात्मा को याद करते हैं, श्री कृष्ण सबका फादर नहीं है, और मुरली जो दिखाते हैं वो कोई काठ की तुतारी नहीं, जो श्री कृष्ण के हाथ में देते हैं मुरली तो वास्तव में ज्ञान की है। गॉड गॉडेस गॉड गॉडेस गाया जाता है, सरस्वती को गॉडेस ऑफ नॉलेज कहते हैं, राधे को नहीं कहेंगे, श्री कृष्ण को भी नहीं कहेंगे, वो तो जोड़ी है बाप और बच्चे की। सरस्वती को कहा जाता गॉडेस ऑफ नॉलेज, तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा ब्रह्मपुत्रा भी गॉड ऑफ नॉलेज होना चाहिए, लेकिन ब्रह्मा के लिए तो माया गाया नहीं जाता, गॉड इज नॉलेजफुल कहा जाता है। परमात्मा के लिए कहते हैं वो ज्ञान सागर है, सरस्वती को कहते हैं विद्या की देवी है। ब्रह्मा नॉलेजफुल नहीं, गॉड नॉलेजफुल है, परम पिता परमात्मा ज्ञान सागर है, तो जरूर अपने बच्चों को ज्ञान देंगे। पहले पहले इनमें प्रवेश कर, इन द्वारा दूसरों को देते, इनमें सब लक्की सितारे आ जाते, ज्ञान सूर्य फिर ज्ञान चंद्रमा, फिर चाहिए ज्ञान चंद्रमा के नजदीक एक सितारा जो चंद्रमा के सामने खड़ा रहता, वह बहुत तीखा होता है, उन्हें ज्ञान लक्की सितारा कहेंगे। उनका नाम सरस्वती रखा हुआ है, सरस्वती बेटी हो गई, ये तो बाप भी हुआ बड़ी नदी भी हुई, बहुत बड़ी नदी है। सब नदियों का मेल सागर में होता है, सागर और नदियों का मेला होता, सरस्वती भी सागर में मिलती है, उनका मेला नहीं लगता, मेला ब्रह्मपुत्रा नदी का लगता। ये बड़ी ये नदी वंडरफुल है, मेल है, नदी तो फीमेल को कहा जाता, ये गुह्य राज बहुत समझने लायक है। परंतु ये बातें पहले पहले कोई को नहीं बतानी चाहिए, पहले तो लौकिक माता पिता पारलौकिक माता पिता का राज समझाना। लौकिक माता पिता से अल्पकाल क्षण भंगुर सुख प्राप्त मिलता, ये तो पक्का याद रखना चाहिए, दूसरा कोई दो बाप का राज समझा ना सके, वो तो जानते ही नहीं। गाते हैं तुम माता पिता बालक तेरे, अब पिता सर्वव्यापी है तुम माता कहाँ गई, ये समझने की बात है। माता पिता चाहिए ना, माता पिता कहा जाता निराकार को, परंतु ये समझते नहीं इन्हें माता पिता क्यों कहा जाता, वो तो गॉड फादर है। फिर कहते एडम और ईव, एडम ही ईव है, ये कोई नहीं समझते। आदि देव
आदि देवी कहते हैं, आदि देव ही आदि देवी है, क्योंकि शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख से ज्ञान दिया, प्रजापिता ब्रह्मा वही फिर माता हो जाती, एडम और ईव अथवा आदम बीबी कहते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझ सकते। बच्चे समझ सकते, आदम बीबी वास्तव में ये हैं, बीबी सो आदम है, इनको बीबी आदम दोनों कह देते हैं, वह तो है बाप। ये बड़ी पेचीली बातें हैं, भारत में गाते तो मात पिता, ऐसे ही सुनी सुनाई में गाते रहते, अर्थ कुछ नहीं समझते, सत्युग को बहुत दूर ले गए, लाखों वर्ष कह देते, लॉन्ग लॉन्ग भी कितना, कहानी तो नजदीक की सुनाई जाती। तुम समझा सकते हो लॉन्ग लॉन्ग एगो, यानी 5 हजार वर्ष पहले भारत में देवी देवताओं का अटल अखंड सुख शांति में राज्य था, और कोई राज्य नहीं था, ये अक्षर कोई विद्वान आचार्य नहीं कह सकते, देवी देवताओं का राज्य था। मालूम होना चाहिए कैसे स्थापन हुआ, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, लक्ष्मी नारायण कैसे बने, कैसे उनकी राजाई स्थापन हुई, उनके पहले तो कलयुग था, बरोबर कलयुग का अंत अब है, सतयुग के बाद, कलयुग के बाद सतयुग होगा, सतयुग सामने आ गया, जो लॉन्ग लॉन्ग था वह सामने आ गया, बहुत समय पहले भारत स्वर्ग था, अब फिर से वो समय नजदीक आ गया, 84 जन्म लेते लेते कलयुग का अंत आकर हुआ। अब तुम्हें कहेंगे 5 हजार वर्ष पहले लक्ष्मी नारायण का सतयुग में राज्य था, अभी नहीं है, अभी टाइम आकर पूरा हुआ, फिर से लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन हो रहा है, ये तुम्हारी बुद्धि में है, जिसके लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, ये समझने की बात, ये सच्ची गीता आदि इसीलिए लिखी जाती कि कोई पढ़कर रिफ्रेश होते रहे, ये जानते हैं जो लिखा जाता वो फिर प्रायलोप हो जाएगा, ये सच्ची गीता भी नहीं होगी, जो तुम लिखते हो वो सच्चा ज्ञान प्रायलोप हो जाना है, साथ साथ शास्त्र भी सब प्रायलोप हो जाएंगे, सत्युग त्रेता में शास्त्र होते नहीं, फिर कल्प पहले जैसे द्वापर से बने थे वैसे बनाने लग पड़ेंगे। यह भक्ति की सामग्री, रचना की सामग्री बहुत बड़ी है, तुम ज्ञान सेकंड में ले लेते हो, सारी रचना की आदि मध्यंत का तुम जानते हो, अंगे अक्षरे अर्थात तिथि तारीख सहित पूरा हिसाब किताब है। 84 जन्म सब नहीं लेते, कोई 70 लेते हैं, कोई 60 लेते हैं, कोई 2 भी लेते हैं, सारा मिनिमम मैक्सिमम का हिसाब है, पीछे आने वालों के जरूर नंबरवार थोड़े थोड़े जन्म होंगे, उसका फिर विस्तार करना फालतू हो जाता। तुम बच्चे नटशल में समझा सकते हो, 84 लाख जन्म तो है नहीं, 84 जन्म भी हर एक नहीं ले सकते, ऐसे ही सिर्फ कह देते 84 का चक्र है, 84 लाख जन्मों का चक्र नहीं गाया जाता। फिर गीत चला, पाप कपट की छाया पड़ गई, अब ये रावण का राज्य है, आत्मा पर मैल की छाया पड़ते पड़ते बिल्कुल अजामिल हो गए, इतनी मैल चढ़ी है जो साफ होती नहीं, उस मैल को निकालने के लिए गाया जाता ज्ञान मान सरोवर, उसी में डूबे रहो, जैसे जंक लगती है तो उसको उतारने के लिए घासेट में डाला जाता, ये भी जंक लगी है, इसलिए ज्ञान सागर में डूबे रहो, कोई पानी की नदी व सागर की बात नहीं, ज्ञान सागर जो ज्ञान देते हैं उस नॉलेज में तत्पर रहना है, ग्रस्त व्यवहार को भी संभालना है, उसमें कोई मत चाहिए तो लेते रहो, घर गृहस्थ में रहना है वहां पर रहते कोई श्रीमत चाहिए तो लेते रहो, हर एक का कर्म बंधन अपना अपना है, सर्जन सबके लिए एक ही दवा नहीं देते, हर एक का कर्म बंधन, हर एक की बीमारी अपनी अपनी है, ये 5 विकारों की बीमारी महामारी है, इस बीमारी को कोई जानते नहीं, ये कब से शुरू होती है, आत्मा को बीमारी लगने से शरीर को भी बीमारी लग जाती है, आत्मा में दुख पड़ता तो शरीर में भी पड़ जाता, ये बातें शास्त्रों में नहीं, वो तो भक्ति मार्ग का भक्ति कांड है, भक्ति का भी बाबा ने बताया, पहले होते अव्यभिचारी भक्ति, फिर रजोगुणी व्यभ्यचारी भक्ति, फिर व्यभ्यचारी तमोगुणी हो जाती, जैसे जैसे भक्तों की अवस्था वैसी भक्ति हो जाती, ज्ञान भी ऐसे उतरता, पहले 16 कला फिर 14 कला फिर 12 कला, प्रारब्ध जो बनती है वो फिर उतरती जाती। तुम बच्चे जानते हो कमाई है, कमाई में विघ्न पड़ते हैं, दशाएं बदलती हैं, पूछते हैं हमारे ऊपर कौन सी दशा बैठी हुई है, फिर वो लोग बताते इस सच्ची कमाई में बच्चों पर दशाएं बैठती हैं, कोई पर राहु की दशा बैठती काला मुंह कर लेते, बृहस्पति की दशा थी फिर माया ने थप्पड़ लगाया
राहु की दशा बैठ गई, काम में गिरा, फट से राहु का ग्रहण लग गया। जैसे विकार के वशीभूत हुए राहु का ग्रहण लग गया, ताला बंद हो जाता, ये गुप्त कड़ी सजा। वो फिर कह नहीं सकते कि भगवान वाच काम महाशत्रु है। सन्यासी भी काम महाशत्रु के कारण ही स्त्री को छोड़ चले जाते, ये भी प्रवृत्ति मार्ग की पवित्रता भारतवासियों के लिए अच्छी है। भारतवासी ही पवित्र से अपवित्र बनते तो उनको थमाने के लिए ये सन्यासी है, मरम्मत के लिए ये पवित्रता है। पवित्रता की ताकत से सृष्टि इतना चलती है। अभी तो वो भी पतित बन गए, तुम उनकी भी सर्विस करनी है। सर्विस का तुम बच्चों को बहुत शौक रहना चाहिए। कायदे बेकायदे कोई भी चलन नहीं चलनी, भले पुरुषार्थी हो, संपूर्ण कोई बना नहीं, कुछ ना कुछ पाप होते रहते। बाप की आज्ञा ना मानना ये बड़ा पाप है। शिव बाबा की आज्ञा पर ना चलना ये बड़ा पाप है। बाप का फरमान है, निरंतर मुझे याद करो। जानता हूं कर नहीं सकेंगे, परंतु तुम पूरा पुरुषार्थ ही नहीं करते हो। जो करेगा वो अच्छा पद पाएगा, जो करेगा वो अच्छा पद पाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप तथा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, पांच विकारों की बीमारी से मुक्त होने के लिए सर्जन की राय लेते रहना। पांच विकारों की बीमारी से मुक्त होने के लिए सर्जन की राय लेते रहना। आत्मा पर कोई बीमारी ना लगे इसकी संभाल करनी है। सच्ची कमाई करनी और करानी है, कोई भी बेकायदे चलन नहीं चलनी। राहु की दशा कभी ना बैठे इसके लिए बाबा के फरमान पे चलना। राहु की दशा कभी ना बैठे, बाबा के फरमान पर चलते रहना। वरदान है याद और सेवा द्वारा सब चक्रों को समाप्त कर, क्षमा पर फिदा होने वाले सच्चे परवाने भव। याद और सेवा द्वारा सब चक्रों को समाप्त कर, क्षमा पे फिदा होने वाले सच्चे परवाने भव। जो बच्चे याद और सेवा में सदा बिजी रहते हैं वो सब चक्रों से सहज ही मुक्त हो जाते हैं। कोई भी चक्र रहा होगा तो चक्कर ही लगाते रहेंगे, कभी संबंधों का चक्कर, कभी स्वभाव संस्कार का चक्कर। ऐसे व्यर्थ के सब चक्कर समाप्त तब होंगे जब बुद्धि में सिवाय शिव बाबा क्षमा के कुछ भी ना हो। सभी चक्र तब समाप्त होंगे जब बुद्धि में सिवाय क्षमा के कुछ भी ना हो। क्षमा पे फिदा होने वाले क्षमा के समान बन जाते हैं। ऐसे फिदा होने वाले, समा जाने वाले ही सच्चे परवाने हैं। बाबा पर फिदा होने वाले ही सच्चे परवाने हैं। सरल शब्दों में, याद और सेवा में बिजी रहेंगे तो सब चक्र समाप्त हो जाएंगे। स्लोगन है, जो सच्चे पारस बने हैं उनके संग में लोहे सदृश आत्मा भी सोना बन जाती है। जो सच्चे पारस बने हैं उनके संग में लोहे सदृश आत्माएं भी सोना बन जाती हैं। आज हम शिव बाबा क्षमा पर फिदा हो जाएंगे। मैं शिव क्षमा पर कुर्बान, सच्चा परवाना हूं। शिव क्षमा ने आकर हम सब की ज्योति जगाई। हम सच्चे परवाने हैं। बाबा ने हमें बहुत सुंदर विधि सिखाई, याद और सेवा में बिजी रहना, सब चक्रों से मुक्त रहना। बाबा से शक्ति ले, शिव समा से जो शक्तियां प्राप्त हो रही है उससे मैं आत्मा शक्तिशाली बन रही हूं। मेरी ज्योत जगती जा रही है। मैं शिव क्षमा पर कुर्बान हूं, वारी और बलिहारी हूं।
जिसने मुझे सब चक्रों से मुक्त किया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति शांति।